रहा है कि जनता के बीच में आवाज उठ रही है या सरकार को भी कुछ सुनाई दे रहा है? भाई ये संघर्ष कुछ नहीं है, 2-5 दिन गर्मी में चलना संघर्ष को मायने नहीं रखता। जिन लड़के लड़कियों ने साल 2 साल मेहनत कर कर, कोचिंग लेकर, ट्यूशन पैसे खर्च कर कर, किराए के मकान में रह के पेपर दिए, पेपर लीक हो गए, उनका भविष्य अब अंधकार में जूझ रहा है, उन लोगों की पीड़ा हमें समझनी चाहिए, उनके परिवार वालों की क्या पीड़ा है। तो मैं चाहता हूँ ये पूरा जो ढांचा है इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और जब तक हम इसमें मूलचूक चेंजेस लेकर नहीं आएंगे तो लोगों का विश्वास कायम नहीं रहेगा सिस्टम के अंदर। और ये करप्शन इसका मेन रीज़न है। पेपर आउट होता है तो पैसे में बिकता है ना, वो तो पैसा करप्शन इस पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है, उसके खिलाफ सब नौजवान हैं। मैं भी इस बात को लेकर रख रहा हूँ, और भाजपा के कार्यकाल में हम लोगों ने जो एलिगेशन लगाए थे वसुंधरा जी की सरकार में, उस पर कार्रवाई हम कर नहीं पाए प्रभावी तरीके से, उस बात को मैंने बार बार उठाया है, और जनसंघर्ष यात्रा भी उसी को लेकर है। लेकिन जो पार्टी है वो ये कह रही है कि ये सचिन पायलट की अपनी यात्रा है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो दिल्ली की बात करें, ACC की बात करें, यहाँ की बात करें, गहलोत साहब भी कह रहे हैं कि उनकी अपनी यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ हो सकता है। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहा हूँ, मैं तो करप्शन के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी रही, मैं वही बात रख रहा हूँ। नौजवानों का फ्यूचर सिक्योर करने की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो विरोधाभास कहाँ है इसमें? करप्शन को लेकर ही शायद कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, अभी यही मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उस तरीके का एक्शन लेती नजर नहीं आ रही। तो लेना चाहिए ना, वही तो मैं आग्रह कर रहा हूँ, इसमें पार्टी तो क्या कर सकती है, सरकार को एक्शन लेना है। सरकार बनी है, पार्टी के दम ने सरकार को कायम किया है, हम सब ने निर्माण सरकार का किया है इस आश्वासन के साथ कि हम कार्रवाई करेंगे। पिछले 25 साल से 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल BJP रहती है, तो ये घटनाक्रम तोड़ने का क्या उपाय है? अगर हम वही करते हैं, हम जब सरकार कांग्रेस की बनती है अच्छे बजट देते हैं, अच्छी योजना लेकर आते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलते, हम 200 में से 20 पे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं, तो पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए कुछ ना कुछ हमें वो करना पड़ेगा जो हम कहते हैं। ये इस बात को लेकर मैं आगे बढ़ा। क्या ये माना जाए कि अपनी जनसंघर्ष यात्रा निकाली है, इसके बाद आज इसका समापन है, 5वां दिन है, इसके बाद भी क्या ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी? मुझे लगता है कि हमारी बात, मेरी बात नहीं, पब्लिक की बात को सबको सुनकर उस पर एक्शन लेना चाहिए, और वो निवेदन आज करेंगे। कल रंधावा साहब ने बात बोली थी कि कर्नाटक में हम लोग एकजुट थे इसीलिए हम वहाँ जीते हैं, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो शायद एकजुटता वो नजर नहीं आ रही है, इसका इफेक्ट चुनाव पर पड़ सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एकजुट हो जाएं। मैंने कभी किसी की बुराई करी नहीं, मैंने कभी लांछन लगाए नहीं, किसी पे आरोप लगाए नहीं, किसी से मेरी अनबन व्यक्तिगत ना थी ना है ना होगी, राजनीति में व्यक्तिगत अनबन होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ जो मैंने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट वादे किए थे, और मेरे साथ सबने इन बातों को रखा था, हर कांग्रेस नेता ने इस बात को रखा, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत जी ने, कि करप्शन के खिलाफ जांच करेंगे, और हम नहीं कर पाए, मैं सिर्फ मेरा इतना सा ही कहना है, और हमें एक्शन अभी भी समय है, 6 महीने का समय है, हमें एक्शन लेना चाहिए। तो जी आखिरी सवाल है मेरा एक, क्या आप इस मांग को लेकर जो करप्शन की मांग है आला कमान से ही बात करेंगे कि सरकार को एक्शन उठाने चाहिए, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है? ये काम पार्टी कैसे कर सकती है, काम सरकार को करना है ना, तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं हम लोग।